सो दोस्तों, एसर ने जो है एक के बाद एक नए नए लैपटॉप्स हमारे सामने इस 2021 में लॉन्च किए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी, मैंने प्रीवियस वीडियोस भी बनाई कि एसर के लैपटॉप्स के ऊपर जो भी लेटेस्ट आए, RTX 3060 ग्राफिक्स कार्ड बेस्ड और Ryzen के 5000 CPU बेस्ड लैपटॉप्स जितने भी एसर ने लॉन्च किए रिसेंटली, तो इन सारे लैपटॉप्स के अलावा एक और लैपटॉप एसर ने लॉन्च कर दिया है अपना। और ये लैपटॉप जो है एक बीस्ट लैपटॉप है, हाई एंड कैटेगरी का लैपटॉप है ये। और इसकी हाई एंड स्पेक्स होने के बावजूद भी इसका जो प्राइस है बहुत ज्यादा हाई नहीं है। मतलब इसका जो प्राइस रखा गया है, इसका जो एसर ने प्राइस रखा है वो मतलब इसकी स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए काफी अच्छा प्राइस है। और दोस्तों, ये जो लैपटॉप है एसर ने अपना एसर की नाइट्रो सीरीज के अंदर ही लॉन्च किया है, नाइट्रो 5 सीरीज के अंदर ही। प्रीडेटर सीरीज में भी लॉन्च करता तो और भी अच्छा रहता मैं कहूंगा। हो सकता है प्रीडेटर सीरीज में हमें आगे भी देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल हमें नाइट्रो 5 सीरीज में इन तगड़ी स्पेसिफिकेशंस के साथ में हमें ये लैपटॉप देखने को मिल रहा है। और इससे पहले कि मैं आपको इस लैपटॉप के बारे में डिटेल में बताऊं, अगर आप में से कोई भी अपना इंटरेस्ट रखता है पीसीज, लैपटॉप और गेम्स रिलेटेड कंटेंट में, तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि मैं एनी टॉपिक रिलेटेड वीडियोज अपने चैनल के ऊपर लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए अब बात करते हैं अपने इस बीस्ट लैपटॉप की एसर की तरफ से। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये जो लैपटॉप है ये एसर की नाइट्रो 5 सीरीज़ के अंदर किया है लॉन्च एसर ने। अब बात करूँ इसके प्रोसेसर की, सबसे पहले तो प्रोसेसर इसके अंदर हमें मिलता है Ryzen 5000 सीरीज़ का Ryzen 9 प्रोसेसर, यानी कि Ryzen 9 प्रोसेसर इसमें जो दिया गया है, आप लोग जैसे जानते हैं i3, i5, i7, i9 होता है, ऐसी Ryzen सीरीज़ का Ryzen 9 जो है वो सबसे हाई एंड प्रोसेसर रहता है। तो काफ़ी हाई एंड प्रोसेसर इसमें दिया गया है Ryzen 9 सीरीज़ का, Ryzen 9 5900HX। अब ये प्रोसेसर दोस्तों, ये जो है 8 कोर और 16 थ्रेड्स का प्रोसेसर है Ryzen 9। हालांकि हमें डेस्कटॉप में Ryzen 9 में 12 कोर वाले और 16 कोर्स वाले भी हाइपर थ्रेडिंग के साथ देखने को मिल जाते हैं, लेकिन फिलहाल Ryzen 9 के अंदर लैपटॉप में इसमें हमें 8 कोर और 16 थ्रेड्स का प्रोसेसर दिया गया है। फ्रीक्वेंसी की बात करूँ दोस्तों इस प्रोसेसर की, तो उसकी बेस फ्रीक्वेंसी है 3.3 गीगाहर्ट्ज़ की, और बूस्ट मिल जाती है हमें 4.60 तक की देखने में। साथ ही इस प्रोसेसर में हमें 16 MB की L3 कैश देखने को मिलती है। TDP की बात करूं दोस्तों इस लैपटॉप की, तो इसकी लोएस्ट TDP जाएगी 35 वॉट तक, मिड में रहेगी इसकी 45 वॉट तक, और मैक्सिमम TDP जाएगी इसकी 54 वॉट तक हाई लोड्स पे। दोस्तों, ये जो प्रोसेसर Ryzen 9 5900HX, ये काफी क्लोज है स्पेक्स में Ryzen 7 5800H के, बस थोड़ा सा बेस क्लॉक में फर्क है और थोड़ा सा बूस्ट क्लॉक में फर्क है, वरना ऑलमोस्ट स्पेक जो है इसकी सेम है अगर हम कंपेयर करें Ryzen 7 5800H से। तो ये प्रोसेसर जो है काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर से आप जनरल जितने भी टास्क हैं, चाहे वो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड हो, फोटो एडिटिंग से रिलेटेड हो, या और भी कोई CPU इंटेंसिव टास्क हो, उसको ये आराम से स्मूथली हैंडल कर लेगा बिना किसी परेशानी के। अब बात करूं दोस्तों इसके साथ में GPU की, तो GPU इसके अंदर बहुत पावरफुल दिया गया है। इस लैपटॉप में GPU मिलता है इसमें NVIDIA का RTX 3070 ग्राफिक्स कार्ड, और ये ग्राफिक्स कार्ड 3070 जो है आप जानते हैं काफी पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड है। इसमें जो हमें मेमोरी मिलती है इस ग्राफिक्स कार्ड में, इस लैपटॉप में 8 GB की GDDR6 मेमोरी मिलती है, और 3070 से आप लोग वाकिफ हैं, 3070 काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड है, और इस प्रोसेसर के कॉम्बिनेशन के साथ में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पैकेज बन जाता है ओवरऑल ये। साथ में इसमें हमें 16 GB की DDR4 रैम मिल जाती है डुअल चैनल में, यानी 8 GB की दो रैम मिलती हैं 3200 MHz वाली, जिन्हें आप अपटू 32 GB तक और अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपग्रेड करना है तो ऑफकोर्स दो ही रैम स्लॉट्स हैं इसके अंदर, तो आपको एक रैम या दोनों रैम निकालनी होंगी आगे अपग्रेड करने के लिए, जो भी आप रैम आगे लगाना चाहें से 32 GB तक अपग्रेड करने के लिए। मेमोरी के मामले में दोस्तों इसमें हमें मिल जाती है 256 GB की M.2 NVMe SSD, और साथ में उसके मिलती है हमें 1 TB की 7200 RPM की हार्ड ड्राइव। अब 7200 RPM की हार्ड ड्राइव का चलन चल गया है, बहुत अच्छी बात है। पहले 5400 RPM की हमें देखने को मिलती थी, अब रेगुलरली हमें जो हाई एंड लैपटॉप्स हैं, और इवन मैं कह लूँ जो 60-70,000 के भी लैपटॉप हैं, उनके अंदर हमें 7200 RPM की हार्ड ड्राइव देखने को मिल जा रही है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। डिस्प्ले की बात करूँ दोस्तों, डिस्प्ले इसके अंदर हमें 15.6 इंच का 1080p का IPS पैनल का डिस्प्ले मिलता है 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में। और डिस्प्ले से मैं कहूँ जो नाइट्रो 5 के जो और भी लैपटॉप्स हैं, जो कि 1 लाख रुपए के प्राइस बजट के अंदर भी आ रहे हैं, 70-80,000 के जो प्राइस बजट में है, तो वही सेम डिस्प्ले इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। यानी व्यू एंगल्स वगैरह आपको अच्छे मिल जाएंगे, आपको कलर रिप्रोडक्शन वगैरह अच्छा मिल जाएगा, बहुत हाई एंड लेवल का तो नहीं मिलेगा कलर रिप्रोडक्शन, मतलब एक्यूरेसी आपको ठीक ठाक मिलेगी इसके डिस्प्ले के अंदर। बाकी ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आपको कलर एडजस्टमेंट करना पड़ेंगे, वरना आप इसमें अलग से डिस्प्ले लगा सकते हैं HDMI आउटपुट के थ्रू।
बाकी इसके अंदर हमें वाईफाई 6 का सपोर्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिल जाता है। पोर्ट्स के मामले में बात करूं दोस्तों, पोर्ट्स हमें इसमें दो USB 3.2 Gen 1 की पोर्ट्स मिल जाती हैं, एक USB टाइप सी पोर्ट मिलता है, एक USB 3.2 Gen 2 पोर्ट मिलती है पावर ऑफ चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। बाकी हमें HDMI आउटपुट मिल जाती है, कैंसिंगटन लॉक मिल जाता है और RJ45 कनेक्टर मिल जाता है। और कीबोर्ड्स के अंदर हमें जो मिलता है दोस्तों, कीबोर्ड हमें RGB बैकलेट कीबोर्ड मिलता है, ट्रू RGB मिलता है, जिसमें आप RGB कलर्स वगैरह अपने एडजस्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं आराम से। बैटरी दोस्तों इसके अंदर हमें 57.5 वाट आवर की बैटरी मिलती है 4 सेल्स वाली, जिसका बैटरी क्लेम जो किया गया है आइडल के ऊपर जो दिया गया है कंपनी ने कहा है 13 आवर्स तक का, लेकिन बैटरी अगर आप लोड के ऊपर से चलाएंगे जहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड का यूजेज ना हो रहा हो, खाली प्रोसेसर का यूजेज हो रहा हो उसके इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ में, तो आपको बैटरी बैकअप मिलेगा लगभग इसके अंदर 5 से 5.5 घंटे का। लेकिन अगर आप इसको हैवी यूजेज करेंगे इस लैपटॉप का, अगर ग्राफिक्स कार्ड का भी यूज़ हो रहा हो आपके 3070 का, तो इसके अंदर आपको जो बैटरी बैकअप मिलेगा वो मिलेगा अराउंड 2 से 2.5 घंटे का, या गेमिंग वगैरह कर रहे हैं तो मैक्सिमम 2 घंटे का ही एक्सपेक्ट करके चले। बाकी इसके साथ में 180 वॉट का चार्जर मिल जाता है जो कि लगभग 1.5 घंटे में ऐसे फुल्ली चार्ज कर देगा। और इस लैपटॉप का वेट है वो है 2.4 kg, तो थोड़ा सा हैवी लैपटॉप मैं कहूँगा 2.2 kg में, वरना हमें देखने को मिलते हैं ज़्यादा इसका 2.4 kg है, तो थोड़ा सा 200 grams थोड़ा सा ये ऑन द हैवी साइड रहेगा। वेल स्पेक्स भी हमें काफ़ी हैवी मिल रही है, तो थोड़ा बहुत हैवी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम दोस्तों। अब मैं बात करूँ इस लैपटॉप की ओवरऑल, तो ये लैपटॉप जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पैकेज है, और इसका जो प्राइस है ये हमें मिल जा रहा है इस वक्त जो एसर ने लॉन्च किया है उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, एसर स्टोर के ऊपर, 1,29,990 के प्राइस बजट में, यानी कि ऑलमोस्ट 1,30,000 राउंड फिगर। दोस्तों ये जो लैपटॉप है ये 1,30,000 के प्राइस बजट में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त पैकेज है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पैकेज है। हालांकि नाइट्रो 5 सीरीज है, हो सकता है कुछ लोग नाइट्रो 5 सीरीज से इत्तेफाक न रखते हो, यानी कि थोड़ा पसंद ना करते हुए भी कुछ लोगों का होता है कि हीट वगैरह ज़्यादा करता है, लेकिन मैं बता दूं राइजन की जो 5000 सीरीज़ के जो प्रोसेसर्स हैं वो हीट जो है काफ़ी कम करते हैं, 5000 सीरीज के प्रोसेसर्स के जो थर्मल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड हैं। हाँ लेकिन अगर आप गेमिंग वगैरह करेंगे तो ऑफकोर्स 3070 जो है वो हीट तो करेगा ही, तो उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप गेमिंग करते हैं हैवी वाली, तो उसमें आपको आराम से टेम्परेचर्स 90 डिग्री तक आराम से देखने को मिल सकते हैं। अब वो मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता, लेकिन ये मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड और प्रोसेसर दोनों मिलकर हीट तो करेंगे ही, तो 90 डिग्री तक हमें थर्मल्स देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर। लेकिन इतना हम जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है लैपटॉप्स में, इतना जो है गेमिंग वगैरह के अंदर और हैवी टास्क में जहाँ GPU और प्रोसेसर दोनों एक साथ काम कर रहे हो हैवी लोड्स पे, तो इतने टेम्परेचर मोस्टली गेमिंग लैपटॉप्स में जाते ही जाते हैं। गेमिंग की अगर मैं बात करूँ तो गेमिंग के अंदर हाईएस्ट ग्राफिक्स डिमांडिंग गेम भी हैं, लाइक साइबरपंक 2077 या शैडो ऑफ द टॉम रेडर हो गया, और असैसिन्स क्रीड वालहाला हो गया, और भी इस तरह के जो भी हैवी ग्राफिक्स डिमांडिंग गेम है उनमें हम आराम से 70-80 FPS बहुत ही आराम से हाईएस्ट सेटिंग्स के ऊपर पा सकेंगे, और बाकी और भी गेम्स के अंदर हम ज़्यादा FPS भी पा सकते हैं, 90-95 FPS तक भी आराम से अचीव कर सकते हैं। बाकी और भी कोई भी ग्राफिक्स रिलेटेड टास्क हो जहाँ पे ग्राफिक इंटेंसिव वर्क करना हो आपको, या फिर CPU इंटेंसिव वर्क करना हो, हैवी से हैवी कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग का हो या कोई भी वर्क हो हैवी से हैवी, आराम से मक्खन की तरह ये हैंडल कर लेगा। दोस्तों 1,30,000 rupees के प्राइस बजट में मैं इसको बिल्कुल थम्स अप दूंगा, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त स्पेक्स दी गई है इसके अंदर। 3070 ऐसा ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है हमें, और राइजन 9 प्रोसेसर मिल रहा है इसके अंदर, काफ़ी तगड़ा 8-core 16 threads का, काफ़ी अच्छी बेस और बूस्ट क्लॉथ के साथ में। तो 1,30,000 में इस वक्त प्रेजेंटली मार्केट में कहूँगा ये सबसे ज़्यादा पावरफुल पैकेज है, बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहा है हमें। तो अगर आप एक अच्छा पावरफुल पैकेज का लैपटॉप देख रहे थे जहाँ पे आपको बिल्ड से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं, यानी बिल्ड कोई ऐसी मेटलिक वगैरह नहीं चाहिए लाइक प्रीडर सीरीज वगैरह में हमें जो देखने को मिलती है सर की, तो बिल्ड से आप सेटिस्फाइड हो, मतलब फाइबर बिल्ड जो होती है उससे आप सेटिस्फाई हो, अच्छी स्पेक्स आपको चाहिए बजट में रहते हुए, टाइट बजट में रहते हुए, तो 1,30,000 के प्राइस बजट में यह लैपटॉप जो है डेफिनेटली आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। सबसे तगड़ा लैपटॉप इस वक्त 1,30,000 rupees के प्राइस बजट में यही है इस वक्त। बाकी कुछ और भी लैपटॉप अवेलेबल हैं वैसे, उनका लिंक्स मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। इंटेल के i7 10th जनरेशन के साथ में 8-core 16 threads वाला जो आता है, लेकिन 3070 के कॉम्बो के साथ में वो लैपटॉप नहीं है। 3070 के कॉम्बो के साथ में राइजन 9 के साथ में सबसे तगड़ा लैपटॉप इस वक्त यही है, मतलब ये वाला नहीं जो इमेज जो दिख रहा है ये वाला। तो वेल गाइस ये था ओवरव्यू और मेरा ओपिनियन इस लैपटॉप के बारे में। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा, और इस लैपटॉप से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल हो आपका तो नीचे कमेंट सेक्शन में उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं मोस्टली जितने भी कमेंट्स होते हैं उन सबका मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो फाइनल गाइस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ जल्दी अपनी एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, कोरोना का टाइम चल रहा है तो स्टे सेफ, बी एट होम, और ज़्यादा प्रिकॉशंस लें, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।